टीवी वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे नए कृषि कानून का, जिसका विपक्ष विरोध कर रहा है और सरकार कह रही है कि हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसानों के हित का कितना ध्यान रखा गया है इस कानून में, हम इस पर भी बात करेंगे। विपक्ष क्यों हो हल्ला मचा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह बताएंगे आपको कि हर बदलाव जो होता है वह सुधार के लिए नहीं होता, कुछ बदलावों से विनाश भी होता है। सरकार के तीन फैसले, ऐतिहासिक फैसले, जिनका हम आपको याद दिलाना चाहेंगे इस कृषि कानून के बारे में चर्चा करने से पहले। पहला, आज रात 12 बजे के बाद, याद है ना वो वक्त जब 1000 और 500 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे, यानी कि नोटबंदी की बात कर रहा हूं मैं, नोटबंदी हुई थी। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। देश कतार में लग गया, देशवासी बैंकों की कतार में लग गए, बैंकों के सामने कतार लगाए रहे, पूरा देश कतार में अपने अपने नोट बदलने के। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। इस नोटबंदी से फायदा क्या हुआ, आज तक किसी देशवासी को समझ में नहीं आया। दूसरा, जीएसटी। कहा गया कि जीडीपी, जो हमारी जीडीपी है, उसमें 2% की वृद्धि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, सरकार से विपक्ष भी पूछ रहा है, जागरूक भी पूछ रहे हैं, बुद्धिजीवी पूछ रहे हैं और देश की जनता भी पूछ रही है। तीसरा ऐतिहासिक फैसला, 4 घंटे के नोटिस पर पूरे देश को लॉकडाउन, पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया। ना कोई तैयारी, नहीं कोई योजना, बस एक बार बोल दिया गया देशवासियों, बस कोरोना के खिलाफ लड़ाई है, घर में बंद हो जाओ। बंद कर दिया घर में, नौकरियां बंद, रोजगार बंद। जो प्रवासी मजदूर थे सड़कों पे आए, भूख के कारण अपने घर जाने को बेचैन हो गए और स्थितियां सबके सामने थी। अभी कोरोना काल चल रहा, उस लॉकडाउन से फायदा क्या हुआ, सरकार से पूछिए तो सरकार कहती है कि दीर्घकालिक नीति है, फायदे आएंगे। जब 500 मात्र 500 कोरोना के पेशेंट थे, पूरा देश लॉकडाउन, आज भारत में कितने पेशेंट, काम हो रहा है ना। प्रवासी मजदूरों को सड़कों पे दौड़ा दिया गया। ये सब बताने के पीछे कारण और मेरा लॉजिक ये है कि यहां पर अब हमारे देश की 60% जनसंख्या को प्रभावित करने वाला एक नया कृषि कानून आया है, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है 60% जनता वो कृषि पर आधारित है, कृषि व्यवसाय से जुड़ी हुई, कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई। ऐसे में एक नया कृषि कानून आया है। यह कृषि कानून, सरकार बता रही है इस कृषि कानून को लेकर कि इससे किसानों को फायदा होगा, किसानों को लाभ होगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि यह किसानों के विरोधी यह कानून लाया गया है, इससे किसानों का लाभ नहीं होने वाला, इससे बिचौलियों का लाभ होने वाला। एक किसान जो दिन भर काम करता है,
ये पक्ष और विपक्ष, सत्ता और विपक्ष, किसकी बात मान? उसे तो सहूलियत चाहिए, उसने सरकार चुना है और वो चाहता है कि हमारी चुनी हुई सरकार हमें सहूलियत दे। सरकार कह रही है कि जो नए कृषि कानून है उससे किसान अपना माल बाजार में खुले में बेच सकता है। वह सरकारी खरीद पे आश्रित नहीं। विपक्ष का कहना है कि सरकार किसानों के लिए नहीं, व्यापारियों के लिए काम की है। मैं आप लोगों से यह बताना चाहता हूं कि यहां पे सही कौन है, सरकार है या विपक्ष। तो एक आकलन मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। सरकार कह रही है कि इससे किसानों को अपना अनाज बेचने में सहूलियत होगी, उसे अनाज मंडी में जाकर के सरकार जो क्रय केंद्र बना रखी है वहां पर अपने अनाज अगर जो उसे नहीं ले पाती है तो इनको इंतजार करना पड़ता है, तमाम दिक्कतें आती हैं, इनसे निजात मिलेगा और किसान अपना जो है अनाज वो ले जाकर के कहीं भी बेच सकता है, खुले में बेच सकता है। तो सवाल ये है कि क्या इससे पहले जो किसान है सभी किसान क्रय केंद्रों पर, सरकारी क्रय केंद्रों पर ही अपने अनाज बेचते थे? बिल्कुल नहीं। मैं गांवों की बात करूं, क्योंकि भारत गांव का देश है, मैं गांव की बात कर रहा हूं, वहां मझोले और छोटे किसान, बड़े काश्तकार कम है। बड़े काश्तकार अपना अनाज ले जाकर के क्रय केंद्रों पर देते हैं, 6% पूरे भारत में 6% ऐसे किसान हैं। बाकी लोग कहां देते हैं अपना अनाज, अपना अनाज, अपना गेहूं, अपना जो भी पैदावार किए हुए हैं कृषि से, कहां देते हैं? उसके लिए बिचौलिए, बिचौलियों के हाथ में बेचते हैं और बिचौलिए उनसे लाभ कमाते हैं। आज वही चीज, वही स्थितियां साफ हो गई। अच्छा, एक तरह से ये मान लेते हैं कि चलिए हम सरकार की बात मान लेते हैं कि अब खुले में बेच सकते हैं और ऊंचे दामों पर बेचे जाएंगे, लेकिन यह काम जो है बिहार में 2006 में ही लागू हो गया, इस समय 2020। इस तरह किसानों की स्थितियां बिहार में सही होनी चाहिए। किसान वहां सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं बेचते, बिचौलियों पे हाथ बेचते, तो क्या उन्हें ज्यादा दाम मिलता? 14 सालों में बिहार के किसानों की स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं? कुछ भी नहीं। फिर यह ऐसा कैसे किया जा सकता है कि पूरे देश के किसानों का इससे हालत में परिवर्तन हो जाएगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा, उनकी आय दुगनी हो जाएगी? किस आधार पर कैसे ऐसा कुछ? यहां विपक्ष, मेरे नजर में विपक्ष की बातें सही। अगर दूसरी बात करें हम, कानून है दूसरा कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन कृषि सेवा करार विधेयक 2020। इसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कह सकते हैं। सरकार की नजर में यह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अर्थात एक किसान किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वो उसकी जमीन पर खेती होगी और निश्चित धनराशि को दी जाए। बहुत अच्छी बात, किसान जो कर पाने में सक्षम नहीं है, जो अपने जमीन को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहते हैं, वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करें और उनसे अनुबंध करें, निश्चित धनराशि लें और आगे का काम, यानी सुख और सुकून। लेकिन दिक्कतें तब आएंगी यदि कंपनी ने पे ना करे, उसके बाद कहां जाए? तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसानों और कंपनी के बीच कोई विवाद होता है
पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होता है। कैसे भी विवाद हो उसको लेकर किसान सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके लिए ब्यूरोक्रेसी में उसे जाना पड़ेगा जहां तहसीलदार स्तर का अधिकारी मामले को सुनेगा। सबसे बड़ी बात है कि किसान चक्कर नहीं लगाना चाहता किसी अधिकारियों के। उसका एकमात्र ध्येय है सुबह उठा खेतों में गया, काम किया, अपनी फसलों को देखा, फसलों को सुरक्षित किया। कोई भी किसान किसी भी अधिकारी का चक्कर नहीं लगा, लेकिन इसमें अधिकारी ही इसकी बातों को सुन। अब आते हैं तीसरे कानून पे, नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। इसमें कहा गया है कि कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी, उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी। सरकार को पता ही नहीं चलेगा कि कितना स्टॉक कहां है और किनके पास है। खुली छूट, कालाबाजारी। हम जानते हैं सरकार यह कह सकती है कि हमने तो किसानों को यह छूट दे दी है कि वो भंडारण करें, चाहे जितना भी वो भंडारण कर लें अपने पास, कोई दिक्कत नहीं। अभी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि किसानों के पास, कितने किसानों के पास अपनी उपज को सुरक्षित रखने का स्थान या जगह है। अधिकांश किसानों को रहने के लिए छत नहीं है। सरकार गरीबी को देख करके उन्हें आवास दे रही है, उस आवास, अगर मान लें उसमें आवास मिला है, उसे आवास मिला है, छत है उसके पास, उसमें वह अपना कितना अनाज भंडारण कर लेगा और कब तक, सबसे बड़ा सवाल। दूसरी बात यह है कि सरकार जो है वो आखिर सोच क्या रही है। कि जो भंडारण करने वाले हैं अनाज का, जो सामर्थ्यवान है कि अनाजों का भंडारण कर लें, उससे उनकी आय दुगनी हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि वो अन्य किसानों का अनाज खरीद करके अपने पास भंडारण कर लेते हैं, एक दूसरा किसान भंडारण कर लेता है, हम ये मानते हैं, और उसे अच्छी कीमत में उसे बेचता है, उसकी आय दुगनी हो जाए। लेकिन जो हमारे मझोले और छोटे किसान हैं, काश्तकार हैं, जिनको आज अनाज बेच करके अगले फसल की तैयारी करनी है, वो क्या करेंगे? वो पुनः उसी औने पौने दामों पर अपना अनाज बेचेंगे, बीज खरीदेंगे, खाद खरीदेंगे, खेतों में डालेंगे, इससे उनकी परेशानी तो हल नहीं होगी। तो आखिर बेहतर स्थिति क्या थी सरकार के लिए? सबसे बेहतर स्थिति यह थी कि जो क्रय केंद्र सरकार ने खोल रखे हैं उनका बढ़ोतरी करती। जो क्रय केंद्र हैं अभी भारत में, उनकी संख्या बढ़ाती, उनमें सुविधाएं बढ़ाती, और यह निश्चित करती कि कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दाम पे किसानों के अनाज न खरीदे। सबसे बड़ी बात यह है कि 5 किलोमीटर के रेडियस में एक क्रय केंद्र होना आवश्यक है, यह कहा गया है। सरकार यह क्यों नहीं करती, यह व्यवस्था क्यों नहीं लागू करती?
बादशाह। किसान तो बहाना है, बिचौलियों को ही आजमाना, उन्हें ही आगे बढ़ाना। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।